नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी बियरिंग का इंटरनल डायमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब किसी भी बियरिंग का जो बोर होता है वो कैसे निकालता है, वो भी मैं चार पॉइंट्स में बताऊँगा। चार पॉइंट में बोला जाए तो कि अगर किसी बियरिंग का जो बियरिंग नंबर है उसका लास्ट टू डिजिट अगर 00, 01, 02 और 03 है तो उस टाइप का जो बियरिंग है उसका इंटरनल डायमीटर कितना होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों, मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी बियरिंग का इंटरनल डायमीटर मतलब बोर साइज को निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत आदमी बोलते हैं कि किसी भी बियरिंग का नंबर जो है उसका लास्ट टू डिजिट को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो इंटरनल डायमीटर वो हमें मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक बियरिंग नंबर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि बियरिंग नंबर है 22215, तो इस बियरिंग का जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना होगा आपको बताना है। तो कोई भी इसका कैलकुलेशन करके तुरंत बोल देगा कि लास्ट टू डिजिट 15 है, उसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 75। तो बोल देगा कि 75 mm इसका इंटरनल डायमीटर है, बोर साइज है। तो अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि बियरिंग जो नंबर है वो है मान लीजिए कि 22200 मतलब 22200, तो इसका बोर साइज कितना होगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप कैसे करोगे कि लास्ट टू डिजिट 00 है, उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो क्या आप बताइए, किसी भी बियरिंग का जो इंटरनल डायमीटर है बोर साइज वो 0 हो सकता है क्या? हो नहीं सकता है। तो ये जो मतलब कन्फ्यूजन है कि 5 का मल्टीप्लाई करना है या 5 का मल्टीप्लाई कब नहीं करना है या 0 रहेगा तो कैसे उसके इंटरनल डायमीटर हम पता करेंगे, ये सारा कन्फ्यूजन मैं आपका आज इस वीडियो में दूर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं पहला जो पॉइंट आपको बताया था वो मैं आपको अभी लेता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी बियरिंग का लास्ट टू डिजिट 00 है तो उसका जो इंटरनल डायमीटर बोर साइज होगा वो होगा 10 mm। ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। इसी तरह से कि अगर बियरिंग नंबर का लास्ट टू डिजिट 01 है तो उसका जो बोर साइज होगा वो होगा 12 mm, ये भी स्टैंडर्ड, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है। और अगर किसी बियरिंग नंबर का लास्ट टू डिजिट 02 है तो उसका जो इंटरनल डायमीटर होगा वो होगा 15 mm बोर साइज, ये भी स्टैंडर्ड है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। और अगर बियरिंग नंबर का लास्ट टू डिजिट 03 है तो उस बियरिंग का जो बोर साइज होगा वो होगा 17 mm, ये भी स्टैंडर्ड है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी बियरिंग नंबर का लास्ट टू डिजिट 04 है या 05 है, 06 है, 07 है, 11 है, 15 है, मतलब 04 है या उससे ज़्यादा है, उस समय हम लोग क्या करेंगे, उसका लास्ट टू डिजिट को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आगे का जो सीरीज है सब में ये 5 मल्टीप्लाई होगा लास्ट टू डिजिट में। तो अगर लास्ट टू डिजिट 04 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20, तो 20 mm होगा उस बियरिंग का बोर साइज। उसी तरह से अगर कोई बियरिंग नंबर का लास्ट टू डिजिट 12 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60, तो उसका जो इंटरनल डायमीटर होगा बोर साइज होगा वो होगा 60 mm। तो दोस्तों, 04 या उससे अधिक अगर कोई बियरिंग नंबर का लास्ट टू डिजिट में है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर उससे कम मतलब अगर लास्ट टू डिजिट 00 है, 01 है, 02 है या 03 है तो वो स्टैंडर्ड है दोस्तों, उसका जो बोर साइज है वो आप याद कर लीजिए। 00 है तो 10 mm, 01 है 12 mm, अगर 02 है 15 mm और 03 है तो होगा 17 mm। यही मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताना चाह रहा था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।